यार एडी सो जल्दी चढ़ना नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रॉम अस्तौर। मैं आज अपने इस टूर के चौथे दिन अस्तौर पहुंच चुका हूं। कल का मेरा सारा दिन तकरीबन सफ़र में गुज़रा, क्योंकि जब हम कल चिलास से चले और रायकोट पहुंचे तो रायकोट में जो दोस्त एक साथ थे उनके घर से फ़ोन आया, कुछ एमरजेंसी हो गई। फिर उनको छोड़ने वापस बाबूसर टॉप गए, फिर बाबूसर टॉप से सफ़र शुरू किया और रात को तकरीबन 1 बजे अस्तौर पहुँचे हैं। तो अभी थोड़ी लेट उठे हैं क्योंकि रात को लेट आए थे। तो अभी हम नाश्ता कर चुके हैं और आगे मूव करना है हमने रामा लेक की तरफ। तो मेरे पीछे आपको ये अस्तौर का गांव जो है वो नज़र आ रहा है, बहुत खूबसूरत, बहुत पुरसकून जगह है और बड़ी ही खूबसूरती है यहाँ पे। अभी मैं चलता हूँ रामा लेक की तरफ, तो वहाँ पर जाके आपको रामा लेक के जो व्यूज़ हैं वो दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानल्लज़ी सख़्ख़रा लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन वइन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। हम अस्तौर से अभी रामा की तरफ निकल पड़े हैं। अस्तौर से रामा का जो फासला है वो तकरीबन 8 किलोमीटर है और ये अस्तौर बाज़ार से दाएं तरफ इसका रास्ता निकलता है। बाकी रास्ते में आप ख़ुद देखें इसका रूट किस तरह का है और आप किस तरीके से वहाँ पर पहुँच सकते हैं। हम तो बाइक पे जा रहे हैं, अगर आप बाइक पे नहीं हैं तो फिर आपको 4x4 जीप हायर करनी पड़ेगी अस्तौर से। अभी हम अस्तौर के हेड क्वार्टर ईदगाह से जो हैं वो गुज़र रहे हैं। सामने नज़र आने वाला जो चौक है ये कलमा चौक है। यहाँ से आपने राइट साइड वाली जो सड़क है उस पे जाना है और यहाँ से अगेन आपने फिर आगे राइट हो जाना है और यही अस्तौर शहर का जो है बाजार है, यहाँ पे आपको ज़रूरत की तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। कौन सी जुबान कौन सी है? शना जुबान है। हाँ जी। हमें तो नहीं ना समझ आती है। यहाँ पे शना जुबान है। शना जुबान है। इनकी क्या हाल है? अच्छा इनकी सिट हो समहानावा। अच्छा इनके पानी पीने वही यार वही। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप लोग क्या कहलाते हैं, जैसे पठान है क्या है? क्या हम पठान हैं? अब पठान से बोलते हैं, बड़ा फखर से दिलमुमन आफर मोहम्मद साहिबाला से हमारा ताल्लुक है। अच्छा बड़ा खुश है। अब अस्तौर से हम मेन? हम अस्तौर से नहीं, हम मोहम्मद से है। अच्छा मोहम्मद बजोर से साहिबाला आफर मोहम्मद। ठीक है, इसलिए मेरा खान बस। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और भाई जी बहुत शुक्रिया। वीडियो बनाइए। कलमा चौक से थोड़ा सा आगे एक और दूसरा चौक आएगा जहाँ पे ये घोड़े का सिंबल भी लगा हुआ है। यहाँ से आपने पहले राइट जाना है और फिर रामा झील जाने के लिए आपने यहाँ से लेफ्ट टर्न ले लेना है। अस्तौर शहर की जो बुलंदी है सतह समंदर से वो तकरीबन 8500 फीट है, जबकि रामा झील जिसकी तरफ हम जा रहे हैं उसकी बुलंदी तकरीबन 11500 फीट है। इस वजह से जैसे ही आप अस्तौर शहर से निकलेंगे रामा झील के लिए तो मुसलसल चढ़ाई है। अस्सलाम वालेकुम जी, रामा लेक को यही रास्ता जाएगा? यही रास्ता है। बहुत शुक्रिया। मुझे याद है जब मैं 2015 में यहाँ पे आया था रामा लेक पे, तब हम 4x4 जीप के साथ रामा लेक तक गए थे। तब और आज के जो रास्ते हैं रामा झील के उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये सड़क पहले से बहुत बेहतर हालत में है। आप शायद सोच रहे होंगे तो ये सड़क तो बिल्कुल भी अच्छी हालत में नहीं है। यहाँ पे बेसिकली आप देख रहे हैं जगह जगह से पानी जो है वो सड़कों पे आता है, तो
यहाँ की ये जो रोड्स हैं ये यहाँ की समझ लें कारपेटेड रोड्स हैं। अभी सामने नज़र आने वाला जो पहाड़ है आपको, ये नांगा पर्वत है जो दुनिया का नौवां बुलंदतरीन पहाड़ है, और इसी के बैक साइड पे रामा लेक है जहाँ पे हम जा रहे हैं। जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ जाते हैं तो अस्टोर सिटी के जो व्यूज़ हैं वो बहुत खूबसूरत हो जाते हैं। अभी भी अस्टोर सिटी का एक व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ जो कि बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे साथ साथ जो है सड़क की बहाली का काम भी जारी है, सड़क के साथ साथ स्पोर्ट्स बनाई जा रही हैं ताकि जो सड़क है वो जब लैंडस्लाइड हो तो सड़क टूटने से बच जाए। तो यहाँ पे अक्सर लैंडस्लाइड की वजह से जो रास्ते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो स्पोर्ट्स लगाना बड़ा अहम होता है ताकि सड़क को बचाया जा सके। एक और बात, यहाँ पे अगर आप अपनी गाड़ी के साथ आते हैं तो आप आसानी के साथ रामा झील तक जो है वो अपनी गाड़ी के साथ भी आ सकते हैं। सड़क कहीं से कुछ बेहतर है कुछ ख़राब है, लेकिन आपने मेरी वीडियोस में भी देखा होगा कि अक्सर जो गाड़ियाँ हैं करोला GLI वगैरह वो इस रोड पर आ रही हैं। सामने वीडियो में नज़र आने वाली फसलें जो हैं यहाँ के मकामी अफराद ने लगाई हैं, और यहाँ की फसलों का अंदाज़ भी बहुत ही खूबसूरत है। अस्टोर से तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर बाद इस जगह की पहली कैंपिंग साइट आती है जो कि जंगल के बीचों बीच बनाई गई है। यहाँ पे आके आप अपना कैंप भी लगा सकते हैं और पहले से लगे हुए कैंप्स जो हैं उनको भी रेंट पे हासिल कर सकते हैं, और यहाँ पे खाने पीने की भी सहूलत जो है मौजूद है। यहाँ से रामा मेडोज़ जो हैं वो शुरू हो जाते हैं, और ये भी कैंप लगाने के लिए एक बेहतरीन लोकेशन है। यहाँ पे जगह भी खुली है और आप यहाँ पे मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जिसमें बारबेक्यू, आप कोई खेल जो है छोटा मोटा क्रिकेट वगैरह बैडमिंटन वगैरह वो भी खेल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप जो है हाइक वगैरह भी साथ साथ जो है जहाँ तक इंतज़ामिया ने आपको इजाज़त दी है आप हाइक भी कर सकते हैं। यहाँ का जो जंगल है उसमें ज़्यादातर शाहबलूत के दरख्त हैं जिनको साथ साथ काटा भी जा रहा है, और ये एक परेशान कुन बात है, लेकिन गवर्नमेंट साथ साथ जो है वो शजरकारी को भी यहाँ पे तरजीह दे रही है। इसके बाद यहाँ पे ये दूसरी कैंपिंग साइट आती है, ये पहली कैंपिंग साइट से बड़ी है, और अगर आप अपनी गाड़ी पे आते हैं तो यहाँ तक ही आ सकते हैं, इससे आगे आपको जीप पे जाना पड़ेगा। दूसरी कैंपिंग साइट से मज़ीद 4 से 5 किलोमीटर के फासले पे रामा झील जो है वो मौजूद है, तो हमने कैंपिंग साइट पे रुकने की बजाय आगे मूव करना जो है बेहतर समझा, क्योंकि हम इतने ज़्यादा थके नहीं थे, क्योंकि फासला नहीं है ना ज़्यादा। मेरे ख्याल से अस्टोर से मैक्सिमम जो फासला है रामा झील तक वो 16 किलोमीटर है, और अभी तक हम तकरीबन 11 से 12 किलोमीटर का सफ़र किया है, तो इसमें हमें ज़्यादा थकन महसूस नहीं हुई। दूसरी कैंपिंग साइट के बाद जो रोड है वो काफ़ी ऑफ रोड है, और ये आपको नज़र भी आ रहा है कितना सख्त किस्म का पथरीला रोड है। यहाँ पे बाइक चलाना या गाड़ी चलाना बहुत मुश्किल होता है। अभी हम रामा झील की तरफ जा रहे हैं, ये मेरे पीछे आपको जो नज़र आ रहा है ये रामा मेडोज़ है। यहाँ पे कैंपिंग, होटलिंग, खाने पीने का सामान, रहने का सारा कुछ बंदोबस्त है। अगर आप स्टोर आते हैं और आपका रामा जाने का, रामा झील जाने का प्लान है, तो मैं कहूँगा कि आप इधर ही इन्हीं मेडोज़ में आके स्टे करें, और फिर यहाँ से आप पैदल भी हाइकिंग करके जा सकते हैं, और यहाँ से जीप के साथ ऊपर जा सकते हैं। हम तो बाइक पे जा रहे हैं, मेरा कैमरा अगर आपको दिखा पाए तो इस साइड पे, यहाँ पे जिधर आपको ये बर्फ़ वाला पहाड़ नज़र आ रहा है, इस साइड पर ये झील है, हम उस साइड पर मूव करने लगे हैं। अस्टोर से अभी तक हम तकरीबन 13 किलोमीटर जो हैं वो चल के आ चुके हैं, और मज़ीद 1 से 2 किलोमीटर आगे डिस्टेंस है, बाकी रामा झील आपको ऊपर जाके दिखाते हैं।
हमें यहाँ पे थोड़ा सा रुकना पड़ेगा ताकि जीप गुज़र जाए। सड़क पे रास्ता तो है, जगह भी है गुज़रने की, लेकिन आगे टर्न है और पीछे दूसरी जीप्स भी आ रही हैं, तो हमने रुकना ही बेहतर समझा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे जो टर्न है वो कितना मुश्किल है। यहाँ पे ये देखें, एकदम से टर्न आ जाता है और पत्थर कैसे निकले हुए हैं रोड से बाहर। तो यहाँ पे फिर स्पेशली जब आप दो बंदे हों बाइक पे, तो बाइक को चढ़ाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो पिछला बंदा आपको उतारना पड़ता है। अगर आप जीप पे आ रहे हैं तो यहाँ पे जीप आपको उतार देगी और आगे आपने पैदल ही जाना है। उसकी वजह आपको खुद नज़र आ रही होगी, यहाँ से एक तो रोड बहुत तंग है, यहाँ से जीप या कोई गाड़ी वगैरह तो गुज़र नहीं सकती। हाँ, अगर आप बाइक पे आए हैं तो बाइक पे आप आहिस्ता आहिस्ता आराम के साथ जा सकते हैं। सामने देखें नागा पर्वत और आसमान पर बादल जो हैं कितना खूबसूरत व्यू दे रहे हैं, और मुझे रुक के कैप्चर करने पर मजबूर कर दिया इस व्यू ने। रामा की दूसरी कैंपिंग साइट से इस जगह तक जीप जो है आपसे 2500 रुपया किराया ले रही है जून 2022 में। ओहो, आगे तो ग्लेशियर आ गया है, पता नहीं अब यहाँ से हमारा बाइक गुजरता है या नहीं। चलें नज़दीक चलते हैं, देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। साथ पानी भी है, रास्ता तो बना हुआ है, लोग इधर से जा रहे हैं, घोड़े भी जा रहे हैं, लेकिन बाइक का देखते हैं कि बाइक हमारी जा पाती है या नहीं जा पाती। यहाँ पे नागा पर्वत अपना बहुत आउटस्टैंडिंग व्यू पेश कर रहा है और हम कोशिश करने लगे हैं कि हमारा बाइक जो है इस ग्लेशियर से निकल जाए। बर्फ़ होने की वजह से टायर जो है ना ऊपर स्लिप करता है और घूम के आगे नहीं जाता, बल्कि बर्फ़ के ऊपर एक ही जगह पे घूमता रहता है और आगे नहीं जाता। तो इसके लिए बाइक का ज़ोर भी लगता है और आपको भी ज़ोर लगाना पड़ता है। देखें हमारा भी अच्छा खासा ज़ोर लग रहा है, दो बंदे हैं और धक्का लगा के जो हैं वो बाइक को इधर से आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम पहला ग्लेशियर तो जो है वो क्रॉस कर आए हैं। अभी मज़ीद आगे एक दूसरा ग्लेशियर भी है, उसको क्रॉस करके तो फिर हम झील तक पहुंचेंगे। ये दूसरा ग्लेशियर है, यहाँ पे थोड़ी मुश्किल हो रही है, लेकिन इंशाल्लाह इधर से भी हम आहिस्ता आहिस्ता टेक्निक के साथ जो है वो गुज़र ही जाएंगे। ये ग्लेशियर जो है पिछले ग्लेशियर की निस्बत थोड़ा छोटा है। दूसरा ग्लेशियर क्रॉस करने के बाद हम झील के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। आपको यहाँ से झील का व्यू भी नज़र थोड़ा थोड़ा आ रहा है, और यहाँ पे आप घोड़ों की मदद से भी आ सकते हैं, घोड़े मिल जाते हैं रेंट पे। यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहे हैं, अगर आप हाइक नहीं कर सकते, पैदल नहीं चल सकते, तो ये घोड़े वाले भी लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। पहले यहाँ पर रुक के मैं आपको ऊपर से झील का व्यू दिखाता हूँ और फिर हम पास भी चलते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि मैं एक दफ़ा पहले भी इस झील पे आ चुका हूँ, तो पहले जो जीप थी वो इधर तक झील तक आ जाती थी, तो आपको पैदल चलने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब चूँकि रोड टूट चुका है और उसकी मतलब वो जो रोड की चौड़ाई है वो बहुत कम हो गई है, तो आप गाड़ी तो नहीं यहाँ पर चल सकती, तो फिर आपको पैदल ही चलना पड़ता है। और दूसरी बात, पहले ये झील का हजम बहुत बड़ा था, अब मैं जब 2022 में आया हूँ पहले की निस्बत ये झील मुझे छोटी नज़र आ रही है। उसकी रीज़न यही है, ये जो क्लाइमेट चेंज है उसकी वजह से हर जगह पे फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन स्टिल ये झील बहुत खूबसूरत है। इसके इर्द गिर्द के नज़ारे और स्पेशली इसके पीछे जो नांगा पर्वत का व्यू आता है वो बहुत ही खूबसूरत है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये सफ़रनामा और ये झील
जो है वो बहुत पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अब अगले दिन की वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, जिसमें हम अस्तोर से चिलम तक जो है वो ट्रैवल करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।